सो दोस्तों, ये है 2022 मॉडल KTM की ड्यूक 250 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं बहुत ही कम समय के अंदर। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको मुंबई की पड़ने वाली है 283,000 रुपये। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं फाइनल इस बाइक के बारे में। सो ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है। हेडलाइट आपको LED मिल जाती है, हेडलाइट वाइजर चेंज हुआ आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इंडिकेटर आपको LED मिल जाते हैं और इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। एंड मड गार्ड वाइजर भी चेंज हुआ है ऑरेंज कलर का जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। सो ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। अभी हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। यहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि लिक्विड कूल रहने वाला है और आपको 250cc का दमदार ईंधन मिल जाता है जिसमें आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है। और ये रहा इसका इंजन का आउट। टैंक पे आपको नए सी का वर्क देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं। ये ऑरेंज कलर अभी भी ऐड हुआ है जो कि पहले नहीं था। बहुत ही खूबसूरत सा कलर अभी आपको मिल जाता है। और सीट का आप देख सकते हो। और ये रहा इसका फ्रेम एग्जॉस्ट ऐसे कुछ मिलने वाला है। सो ये रहा इस बाइक का ओवरऑल राइट साइड का फुल व्यू। ये बाइक राइट साइड से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मुझे तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बात कर लेते हैं इसके टेल सेक्शन के बारे में। ये रहे टेल लाइट जो कि आपको LED मिल जाएगी। इंडिकेटर ये रहे, ये भी LED आपको मिलते हैं। नंबर प्लेट यहाँ पर लगने वाला है। आपको टायर हगर मिल जाएंगे जो कि काफी स्टाइलिश दिख रहे हैं। सो ये बाइक रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली। अभी हम आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा, चैन रेप आप देख सकते हो। ये रहा सस्पेंशन, पिलियन राइडर फुट रे, साइड स्टैंड आपको मिलता है, डुअल स्टैंड नहीं मिलेगा। साइड स्टैंड इंजन का टॉप सेंसर भी आपको मिल जाएगा। और इधर से इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला है। और ये रहा टैंक जो कि काफी स्टाइलिश दिख रहा है। इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली। मैं बात कर लेते हैं इसकी सीट के बारे में। आपको इसमें सीट मिल जाएगी जो कि काफी स्टाइलिश दिखती है। साथ में आपको कंफर्ट भी अच्छा खासा मिलने वाला है। जय राइडर की बात करें या पिलियन राइडर की बात करें, स्प्लिट आपको ग्रैबलर मिलने वाला। टैंक की बात करें तो काफी स्टाइलिश आपको टैंक मिल जाता है। टैंक का कलर भी चेंज हुआ है। टैंक आपको मिल जाता है 13.5 लीटर का और माइलेज मेरे हिसाब से आपको 35 के आसपास मिल जाएगी। और मीटर कंसोल में आपको दिखा देता हूं, आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है। यहां पे आपको काफी सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे। यहां पे आपका स्पीड का बताएगा, RPM का बताएगा, या आपका ऑडोमीटर बताएगा, या आपका टाइम बताएगा, फ्यूल का बताएगा, टेम्परेचर बताने वाला है। सेट रीसेट करने का ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाएगा और यहां भी आपको इंडिकेटर मिलने वाला है। और इधर की बात की आपका थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच, सेल्फ। और इधर के स्विचेस की बात करें, अपर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न, पासिंग लाइट, क्लच लीवर, आपको इसमें स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। और ये रेस के मिरर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। भी आपको नया कलर ग्राफिक देखने को मिल जाता है जो कि नया कलर आया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं मेरे स्टूडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।